नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हुआ। जिला पंचायत सदस्य पहुंचे पोलिंग बूथ पर, भारी संख्या में सपा और बीजेपी के समर्थक मौजूद रहे। वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य सुधीर यादव और वार्ड नंबर 2 के विनोद का फोटो व पहचान न मिलान होने से जिला प्रशासन ने उन्हें रोका। TD कॉलेज चौराहे पर सपा भाजपा आपस में भिड़े। खबर इंडिया समाचार से। तमाम तरह के आरोप भी लगते रहे। जी सर, आनंद चौधरी। क्या क्या जीत का आज का आप लोगों को क्या जीत का मंत्र मिला है, किस तरह से जीत हासिल करें? आनंद जी, कितना बड़ा चैलेंज होगा सामने के प्रत्याशी को, कितना बड़ा चैलेंज देंगे? हालांकि बात करने में बड़े आपको जाने दीजिए, अंदर प्रवेश के पूर्व विवाह कराएं सर। हाँ, आनंद जी को जाने दीजिए। चलिए आइए, आप प्रवेश कहाँ गए? आगे बढ़ जाइए थोड़ा ना। चार लोग हैं। चार वो भी हैं, वो भी हैं। चार चेक करिए। हाँ, वो अपना फट जी। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज मतदान हो रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का बलिया का, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप देखिए, आज जो चुनाव हो रहा है इसमें मैं स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं का आरोप कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुप्रिया यादव जी भारी मतों से चुनाव जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास कराता हूँ। अभी बस में एक भर के जो है जिला पंचायत सदस्य आए, ये किसके थे और क्यों हंगामा हो रहा था? किसके थे ये हमारे बताने का विषय नहीं है। हाँ, मतदाता है, मतदाता को वोट दे रहा है, मतदाता को वोट देंगे। तो आप लगातार आप आरोप लगा रहे थे अंबिका चौधरी और पूर्व मंत्री नारद राय पर कि कई सदस्यों का उन्होंने अपहरण कर रखा था, तो क्या ये वही सदस्य हैं? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कौन सदस्य बस में बैठे थे, कौन नहीं बैठे थे। मैं जो कहा था परसों कहा था, तो लगता है कि प्रशासन इसको गंभीरता से लिया होगा और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न होगा, ये मेरे ठीक। आज पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है बलिया में, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी, हमारे पास संख्या बल है और भारी संख्या बल है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक हमारी जीत से बौखला करके जो कार्यकर्ताओं को भेज करके गुंडई जो करा रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमारे उम्मीदवार आनंद चौधरी भारी बहुमत से विजयी होंगे, यह बात इस बात का प्रमाण है। जो हमारे साथ जो मतदाता आए वह जीतने के लिए पर्याप्त मतदाता है, उसकी संख्या लगभग 45 की संख्या थी, जीतने का कोई संशय नहीं रह गया है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि आपने कई मतदाताओं को अगवा करके रखा हुआ है, तो क्या जो बस से आज मतदाता आपके आए हैं वो वही लोग थे? जो बस में मतदाता हुए स्वेच्छा से आए और अपने ढंग से आए, कोई आदमी किसी को अपहरण नहीं कर सकता है और सभी लोग स्वेच्छा से आए हैं और वोट देने के लिए आए। सरकार जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनकी है, प्रशासन उनकी है, सरकार उनकी है और हम लोग अपहरण करेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू।